मूवी खान माशाल्लाह मेरी बेगम ही है हमारे यहाँ आने से भी सुन अल्लाह खैर अल्लाह खैर कैसा गुजरा दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं आप लोग हमारे व्लॉग्स को बहुत पसंद कर रहे हैं इसके लिए आप लोगों का सबका शुक्रिया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आज का व्लॉग शुरू करते हैं लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस कर दें वीडियो को लाइक और शेयर करें आज के व्लॉग में हम आप लोगों से अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करेंगे बहुत मज़े की रूटीन है कि बच्चे किस तरह सुबह सुबह स्कूल जाते हैं बहुत अच्छे हो गए हैं शेरी भी उठ के डेली स्कूल टाइम पे स्कूल जाता है और बहुत इंजॉय करता है अपनी स्कूल लाइफ को काफ़ी अच्छी तब्दीली आई है बच्चों में और बच्चे बहुत खुश हैं इस चेंज से एक तो ये कि शेरी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया अपनी प्रॉपर टाइमिंग पे तो बहुत अच्छा लग रहा है दोनों बच्चे चले जाते हैं और फिर उनको ले आते हैं उसके बाद वो सारा दिन क्या करते हैं ये भी आपसे शेयर करते हैं और हम कैसे उनके साथ रहते हैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो चलते हैं व्लॉग शुरू करते हैं उठ जाओ शेरी शेरी स्कूल का टाइम हो गया सुरेश जल्दी करो ये मैं इनके जूते लेके खड़ी हूँ वाशरूम इन्होंने जाना है पानी गर्म रख दिया है और जूता सीधा कर दें और ये इनका ब्रश है ये यहाँ रखते हैं पानी गर्म रखा है और अब एक को उठाते हैं उठो शहरा उठो मुँह हाथ धो बूबी लेस भी रखी है मैंने कुरकुरे भी रखे हैं स्कूल नहीं ले जाने फ्रेंड्स हैं वहाँ पे शेरी के फ्रेंड्स गेट अप अर्ली शेरी तैयार होकर यहाँ बैठ के और जुरेज यहाँ खाना खा रहा है नाश्ता कर रहा है खड़ा खड़ा इसके पास अभी टाइम है तो ये सारा कुछ खा गया है ये भी आपका ये एग है एप्पल है शेरी के ये रोल हैं दो एप्पल है एग है शेरी माशाल्लाह से खा जाता है ये एग पे नखरे करता है लेकिन फिनिश करके आएगा ठीक है ना हाँ जी आज ये कलर डे है इसका कोई कलर कपड़ों में जा रहा है जा रहे हो जुरेश शेरी बैठ के उधर है उस साइड पे ज्यादा है अपने पीछे पहनो बैग उसका बैग पे पहनो शेरी को दरमियान में करो थोड़ा सा अल्लाह हाफिज शेरी बच्चे स्कूल चले गए हैं और उनके जाने के बाद सारे उठ गए हैं तो सवर भी उठ गए हैं और उनके मामू भी उनको छोड़ के आ गए हैं और मैंने रूम सेट कर लिया है आप लोगों को रूम दिखा देते हैं ये देखें और अब बनाना है अपने लिए नाश्ता नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन से काम रह गए हैं वो भी करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दही अच्छा जी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कर लो तुम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब हमारा बन रहा है नाश्ता और नाश्ते में पता नहीं आज क्या है आलू वाले पराठे चलो ये अच्छा किया काफ़ी दिन हो गए थे आलू वाले पराठे नहीं खाए थे तो खा लेते हैं आज वैसे आज और मूली का मौसम है दही आप यहाँ पे भी बनाती हो क्या दही बनाई है ना हाँ। ये क्या बना रही हो लस्सी हाँ। अच्छा बना लो दही की लस्सी बनाती है और जगह शगे हम साथ लेके आए थे लस्सी बनाने के लिए बस ठंड की वजह से हमारी दही नहीं मजे की जमती वो ओवन में रखा करो ना कपड़े में वो होती थोड़ी सी है वो ना ओवन को भी नहीं ओवन पे भी ऐसा नहीं होता ज्यादा गर्म कर दो तो ज्यादा गर्म कर दो तो फट जाता है दूध अच्छा अच्छा जी नाश्ता हमारा फाइनली बन के आ चुका है और बिस्मिल्लाह करते हैं जी मैं कल तो सब खा लिया नहीं मैंने नहीं खाया आज भी खाया अच्छा तो ये हमारे आलू वाले पराठे हैं जी हाँ। और ये लस्सी है ये ले जी
पापा देख शाम करो, शाम बोलो अस्सलाम वालेकुम। नींद आ रही है हाय तो बोल दो सबको हाय। शूज उतारो उसके। मेरा मूड ही नहीं है। तेरा मूड क्यों नहीं शरीका? थक गया है। कितना सोक भी सो गया है? थक गया हूँ। बच्चा थक गया है भाई। हाँ जूता खुद उतार रहा, देख लो कितना सियाना है। वो कहती है, टीचर्स कहती है ना कि अपनी यूनिफॉर्म उतार के साइड पे रखा करो, शूज यहाँ रखा करो। वो डेली का लेक्चर पक जाता है दिमाग के अंदर। अच्छी गलती देख रही है। देखो वो घसीट के फिरता है। ऊपर से उधर से उठा। कल फिर लेट आनी है तेरा। क्या लेट होगी? और सर हमारा। हाँ वो उठा, वो वहाँ से उठा। हाँ और शेल्फ भी लेके दे दे नीचे। कितना भारी बैग है, इतना हल्का बैग है। हमें ड्रामे करते हैं। कोई नहीं, हमने तो ऊपर आओ मैं उतारूं। कैसा गुजरा दिन? अच्छा। तो यूनिफॉर्म क्यों लेके गई? स्पोर्ट्स है इसकी। इसको देखें स्कूल से आते ही इसने क्या शुरू कर दिया। पहले इसने अपना टिफिन खाली किया है, फिर उसके बाद अब ये शुरू हो गया। ये क्या कर रहे हो? पैच लिखा है। कलर कपड़ों पे भी लगाओगे? नीचे भी गिरेगा। सन S-U-N सन। अच्छा क्या क्या रूल्स सिखाए हैं स्कूल में? टीचर ने सिखाया पहले घर जाकर सारे बच्चों को सलाम देना है। फिर वो भी नहीं किया आपने? अच्छा आगे अगला। आप सारी टीचर हमारी वीडियो देखती हैं, हमने जिस वीडियो में शिकायत की और आप लोग सुन रही हैं, हमारी जो टीचर्स हैं इनकी भी शक जो दिल में आकर। हाँ जी सेकंड रूल। और फिर घर जाके पहले खुद ही कपड़े उतारने हैं। थर्ड रूल। और फिर जाके फिर मुंह धोके फिर कोई लोशन सा लगा देना। लोशन भी नहीं लगाया है। नहीं तो वो नहीं पढ़ी है, देखो कितने सारे पढ़े हैं। अच्छा अगला नेक्स्ट। बस ये थे। और टिफिन वगैरह किसने निकालने थे? बॉटल पानी की वो कितने, वाटर बॉटल किसने? वो बस ये थे रूल्स। वो नहीं निकाली थी, वो मैंने निकाली है। इसने एक भी रूल फॉलो नहीं किया। आज क्यों नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं किया। पहले दिन आया था, कुछ किया था। हाँ जी अब सुन ले, मैंने भी गवाही दे दी है और तसवर ने भी दे दी है, तो अब आप लोगों ने कल इससे लाजमी पूछना है। शहरी का यूनिफॉर्म चेंज कर दिया है, इसको मैंने ये सॉक्स पहना दी है ताकि ये नंगे पाँव फिरे तो इसे ठंड ना लगे। अच्छा ये बताओ कौन कौन से रूल बताए हैं टीचर ने, क्या करना है पहले बोलो। हाँ? सात दो रूल्स बताए हैं। सबसे पहले क्या करना है, हैंडी वॉश करना है, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे घर में करेले पकाए जाएंगे जिनको ऊपर से छीलकर उनकी जल्द उतार ली जाएगी। जल्द उतारने के बाद अंदर से इनका भी सफाया कर दिया जाएगा, जैसे कि बादाम अखरोट के अंदर से गिरी निकाल ली जाती है। इसी तरह ये भी है। वो खाई जाती है, इसको फेंका जाएगा। तो हमारी बेगम मुहतरमा तकरीबन पिछले 10 साल में ये पहली या दूसरी बार करेले बना रही होंगी मेरे ख्याल में। तो आज इनके शाहकार का भी अंदाज़ा चल जाता है कि ये कितने शाहकार हैं कुकिंग में, कितनी एक्सपर्ट है कुकिंग में और ये सब्जी कैसे बनाती हैं। तो आए हमारे साथ सब्जी को एंजॉय करें। अभी छील रही हैं तो साथ में ना गिले शिकवे भी कर रही हैं, मेरे तो बाजू थक गए ने। ये करेलों के ऊपर छुरी जब मारते हैं ना बड़ा दर्द होती है बाजू। तो तू सबको छीलने वाली रख लो, आप छील दो, बोल जो रहे हो हैं अब। नहीं आप चुप। ओ भाई मैंने छीले होते तो मैंने शादी करनी थी फिर। वाह हमारे घर के साथ काम हो रहा है यहाँ पे और भाई साहब यहाँ पे कुट्टी फाटी जा रहे हैं। ये देखिए ये दीवारें बन रही हैं और हमें ना इन्होंने दिन रात तंग किया हुआ है। अल्लाह इन्हें भला करे। हमने किसी और को तंग किया भाई, इन्होंने हमें तंग किया। हाँ हमारे यहाँ आने से ना कुछ कुछ तंग शंग भी सुन, तंगी शंगी भी कुछ सुना हो रही है। हाँ। सुनने में आ रहा है इससे। हाँ, अल्लाह ही खैर करे। अल्लाह खैर करे, चलो कोई नहीं। हम तो कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसी हिदायत ना दे कि हम किसी को तंग करें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कोई हो जाता है तो फिर अब हम उसका कुछ कर नहीं सकते जैसे। अच्छा जी अच्छे से करेले मीठे मीठे बनाने हैं। करेले कड़वे ना हो तो करेलों का नाम क्यों? हमने अगले दिन करेले खाए थे, हमें कहीं से मिले थे, वो अच्छे थे, बस वैसे बनाने हैं। अगर वैसे ना हुए ना तो बस आप वैल्यू लेस। वैल्यू लेस
फिर खुद ही पकाना, मैं आराम से खा लिया करती हूँ। हाँ, हाँ, भी बनाओ। हाँ बस फिर मैं आपको बिस्तर बना दूंगा, आप अंदर बैठना, बैठा करना बस, कज्जल मुसाफिर। अभी सुरेश का टाइम है होमवर्क करने का, तो मैं उसको होमवर्क करवा रही हूँ। और यहाँ पे है ये देखिए, उसके नोट्स पड़े हैं और ये पहले वाली कॉपीज हैं जिनको वो यूज़ कर रहा है कि भाई ये ख़त्म हो जाए तो फिर न्यू लूँगा। और अभी यहाँ वो बैठा लिख रहा था और उसकी मैंने ये सारी मिस्टेक निकाली हैं जो गलतियाँ उसकी हुई हैं, तो अभी आता है वो इसको सही करता है, फिर उसके बाद वो होमवर्क करेगा। माशाल्लाह से काफ़ी देर की तगदो के बाद, कोशिश के बाद हमारा सालन तैयार हो रहा है। टमाटर किसी के अंदर है नहीं, टमाटर सालन के अंदर जा रहा है। टमाटर सालन के अंदर चले गए हैं। और ये है जनाब जी, भी सिर गया थी ना आज। ये है जनाब जी करेले, लाए हो तो पता होना। बच्चा तो इधर बेटा छोटा कुरान पाक पढ़ रहा है माशाल्लाह से जी। और माँ इतनी मेहनती है ना, सिटी में आई है सुबह शाम मेहनत करती है, खाने बना, सफाइयाँ कर, बच्चों को पढ़ा, स्कूल में छोड़, शॉपिंग कर, ये कर, वो कर, पैसे भर रहे हैं तो किसी ने तो करनी है ना, वो ही ना। अच्छा जी अभी सालन थोड़ा पानी, अल्लाह का नाम है, मजे के बगैर मसाले की आप रख तो फिर अभी है लाइट लेके आ, बड़ी सख्ती है जी आजकल, बड़ी सख्ती है। आई मूवी खान माशाल्लाह, मेरी बेगम नहीं है, बड़े दिन हो गया देखा नहीं था। इतना वो तो अक्स देखता हूँ ना, असल में नहीं देखता। अच्छा जी अभी हम जा रहे हैं पानी भरने, पानी भरना है, दूध भी लेना है, दूध खत्म हो गया था, और क्या लेना है, रोटियाँ भी लेनी है। हाँ। रोटियाँ भी लेके आए। आपने और शादी में खानी है, मैंने नहीं खाना। आपने नहीं खाने, आपने क्या खाया? दूध पी होगा, सारा पी गई होगी, बड़ा अच्छा दूध है। किलो काफ़ी दूर का। हाँ, किलो काफी। अभी हम जा रहे हैं जी नीचे होटल से रोटियां ले आएंगे और छोटे मोटे काम फाइनल करके आते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रात का खाना साढ़ा आ गया है। और ये है जी करेले, और करेले बेगम के हाथ के करेले माशाल्लाह, और रोटी हम होटल से लेके आए जैसा कि आप लोगों को बताया था। तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं, रोटी खाते हैं जी। हाँ जी ठीक है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, सालन का अच्छा बन गया। हाँ लेकिन एक चीज़ थी, कड़वे भी नहीं है। अगर आप मसलन यहाँ खा रहे हो तो साथ सलाद सलूद भी होता है। अच्छा प्याज श्याज कुछ भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा अच्छा रोटी रबड़ तरह हो गई यार, ये क्यों लेके आए हो? ये तो पका के दे यार, तब सूख जानी है। हां ज्यादा सूख, एक प्लग गरम करके ऐसे आग से सेक। बच्चों को दूध वगैरह दे दिया है, शाम का खाना भी खा लिया है, काफ़ी टाइम हो गया है और अब सोने लगे हैं क्योंकि बच्चों ने सुबह उठ के स्कूल जाना है और हम भी उनके साथ काफ़ी टाइम से उठ जाते हैं, तो अब हमें भी बहुत नींद आई है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। उससे पहले वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।